लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आरंग जनपद क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के आरक्षण में लापरवाही, जिसके चलते आरंग में सरपंचों के आरक्षण की कार्यवाही निरस्त। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आरंग की जनपद पंचायत के सभागार में सरपंचों के चुनाव के लिए आरक्षण की कार्यवाही में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने से जन प्रतिनिधियों के साथ साथ ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया। आरक्षण रोस्टर के खिलाफ आरक्षण की कार्यवाही में संदिग्ध अधिकारी कर्मचारी द्वारा लेन देन करके अपने चहेतों को आरक्षण का लाभ दिलाने का कार्य करने का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी SDM विनायक शर्मा ने ग्राम पंचायतों को जो कोड क्रमांक दिया था, जो बाद में परिवर्तित हो गया, जिससे पशुपेश की स्थिति निर्मित हो गई है, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जिससे वहां पर उपस्थित लोगों को कार्यवाही पर आक्रोश व्याप्त हो गया और विरोधी के साथ हंगामा शुरू हो गया। शिकायत के बाद कलेक्टर रायपुर ने जिला पंचायत CEO को उक्त आरक्षण की कार्यवाही को अवगत कराते हुए इसे निरस्त कर पुनः निष्पक्षतापूर्ण आरक्षण की कार्यवाही करने का निर्देश दिया, जिसके बाद जनपद पंचायत आरंग में जिला पंचायत CEO ने SDM द्वारा बनाए लिस्ट को रद्द कर दिया। इस विवादास्पद आरक्षण कार्यवाही को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा ग्रामीणों ने निर्वाचन अधिकारी SDM विनायक शर्मा के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। क्लिपर 28 के लिए आरंग से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आप अभी जन पंचायत प्रतिनिधि हैं? नहीं, अभी नहीं हूँ, मैं पूर्व सरपंच हूँ। अच्छा, क्या हुआ आज इस जनपद पंचायत में? सरपंचों का आरक्षण होना था, इसके तहत सभी पंचायतों से जो इच्छुक है सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने अपना आरक्षण का रोस्टर देखने के लिए यहाँ आए थे। शुरू में ही 11 बजे से प्रक्रिया चालू होनी थी, लेकिन जो SDM साहब है वो 11:40 तक अपने कार्य में वो आरक्षण करने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, जिसकी शिकायत मैंने व्हाट्सएप से स्वयं कलेक्टर को किया और कलेक्टर ने मेरे को रिप्लाई किया है कि मैं दिखवाता हूँ। जब प्रक्रिया चालू हुई तो SDM साहब ने हम लोगों को सिर्फ नंबर बताया, ये है 1 से 144 नंबर तक, इसके आधार पर आरक्षण होना है। हम लोगों ने क्या, मैंने स्वयं उनसे ये प्रश्न पूछा कि सर कौन सा ग्राम पंचायत किस नंबर का है, आप वो बता दीजिए। तो उन्होंने सीधे बोला कि मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा। हम लोगों को अंधेरे में रखा, हम लोगों फिर भी से उनसे पूछना चाहा, तो उन्होंने अपना ये करते हुए कि नहीं, मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ तो मैं बाद में बताऊँगा। जब प्रक्रिया हो गई, उसके बाद में हम लोग ये समझ रहे थे कि जब पिछले अभी 22 तारीख को, कल की बात है, 22 तारीख को जब पंचों का वार्ड का परिसीमन वो आरक्षण हुआ, तो जो परिसीमन में जो पंचायत का क्रमांक लिखा हुआ था, उस क्रमांक को बदल करके आज सरपंच के लिए उस पंचायत का दूसरा क्रमांक दे दिया गया है, और उसके आधार पे उन्होंने अपना, जिन लोगों से सेटिंग थी, चाहे वो प्रशासनिक दबाव रहा है या और किसी का दबाव रहा है, ये तो इससे स्पष्ट है। क्योंकि एक जो आरक्षण कराने वाला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश को बदल नहीं सकता, वो अपने हिसाब से किसी पंचायत का क्रमांक नहीं बदल सकता, लेकिन उन्होंने इसको छुपाते हुए वो न तो किसी को जानकारी दिया न कुछ दिया, और अपने हिसाब से उन्होंने एक नया नंबर दे दिया। और वो नया नंबर यहाँ आरक्षण चालू होने के पहले कुछ लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो चुका था, और कुछ लोगों को ये भी पता चल चुका था कि मेरा पंचायत में ये वर्ग का आरक्षण हुआ है। ये इससे स्पष्ट है कि इन्होंने शुरू में ही धांधली को अपनाना चालू कर दिया था, और किसके दबाव में किया है वो स्वयं बताएंगे। और उसका आज परिणाम आम जनता के द्वारा जब विरोध किया गया, तो प्रशासनिक दबाव और जनता के दबाव के कारण उसको कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में आकर के जिला पंचायत के CEO ने पूरी प्रक्रिया को निरस्त किया है, और आज लोकतंत्र की जीत हुई है। और इस तरह से अगर अधिकारी लोग मनमानी करेंगे तो आज की जनता जागरूक है, और हम ऐसे गलत कार्यों का हमेशा विरोध करेंगे। मैं टीकाराम साहू, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत कुम्हारी। अच्छा, आज जो आरक्षण का रोस्टर जो तैयार किया जा रहा था पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसा क्या आपत्ति हुआ कि आरक्षण का लिस्ट रद्द करना पड़ा प्रशासन को?
नहीं, आरक्षण का जो सिस्टम है वो पूरा तरह गलत है। और जो हमारे जनपद पंचायत आरंग में जो 5 साल का ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत का नंबरिंग था वो कुछ और था, और आज एकाएक SDM साहब अपने हिसाब से गोपनीय रखा और लोगों को बताया नहीं है। हमारा नंबर जैसे सकरी जावा का 7 नंबर था पिछले 5 सालों से, अभी एकाएक हमको पता चला कि हमारा 44 नंबर हो गया, तो वो गोपनीय रखा और उसके व्हाट्सएप में और फिर उसके मोबाइल से आता था, फ़ोन आता था, उस हिसाब से नंबरिंग होता था। ये हमने देखे उन जनपद पंचायत आपसे सोशल मीडिया से वो हाँ हाँ पता चला है। और यहाँ आरक्षण नहीं निकला था उसके पहले, वो सूची हम किसी जनपद सदस्य के थ्रू देख लिए थे। और दूसरी बात, हमारे जनपद पंचायत आरंग में भी ऐसी जनपद सदस्य का आरक्षण में धांधली हुआ है, जैसे कि पूरे 25 सदस्य का आरक्षण मेल फीमेल में किया गया है और अध्यक्ष का जो कोटा है उसको सामान्य कर दिया। ये बहुत निंदनीय बात है हमारे जनपद पंचायत आरंग की। इसमें आपको क्या लगता है, प्राइमा फेसी किन की गलती है? यहाँ का जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका जो कार्य क्षमता वो दर्शाता है कि ये आरक्षण बहुत गलत तरीके से हुआ है। आपके मतलब ये मानते हैं कि आप जैसे अनुविभागीय अधिकारी हैं और जो यहाँ के CEO हैं उनकी पूरी पूरी हाँ मिली भगत है, इसमें कोई दो संदेह की बात नहीं है कि यहाँ का जनपद पंचायत और SDM साहब के इसमें संलिप्तता नजर आती है। नाम मेरा नाम मन्नू लाल साहू। मेरा नाम देशानंद इसलेरे हैं और मैं ग्राम पंचायत रसनी का हूँ। जो आरक्षण का प्रक्रिया था वो सही चल रहा था, जब क्रमांक की जो संख्या थी जो ऊपर नीचे किए थे उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं था, और जब नचस्पा उसका कोई जानकारी नहीं था जनता को। लेकिन जब लास्ट में जब गांव का नाम अनुमोदित करना था कि क्रमांक इस क्रमांक में ये गांव है करके, लेकिन उसको नहीं किए। और एक त्रुटि ये भी हुआ है शासन प्रशासन से, जो क्रमांक शासन ने अपने अंदर में रखा था वो व्हाट्सअप फेसबुक और ट्विटर में चल रहा है, वो कहाँ से वो क्रमांक लीक हुआ ये शासन प्रशासन की गलती से हुआ है। अभी व्हाट्सएप और फेसबुक में वो चल रहा है, पहले कोडिंग किए थे लेकिन वो लीक हो गया। हाँ लीक हो गया, लेकिन कहाँ से हुआ? सरकारी कर्मचारियों के मिली भगत के नाम से ये हुआ है जी। ठीक है फ्रेंड, मैं प्रेमलाल साहू ग्राम जरौज से, और मैं रीवा प्रक्षेत्र साहू समाज के 28 गाँव के नेतृत्व करता हूँ, अध्यक्ष भी साहू समाज के। लेकिन अभी मोला देखे मिली, मैं यहाँ सामने रहे संजय भैया जो कबीर अभी बती से बात सत्य है, लेकिन जो रोटेशन में पंच के प्रक्रिया जो आरक्षण जो कल करीस वो सही था, लेकिन आज जो करीस, लेकिन मोला पता रही कि मोर ग्राम पंचायत जरौद के 68 नंबर में ही क्रमांक जरौद था, लेकिन बाद में ये पता चली कि 50 नंबर में आ गए है ऐसे की के। लेकिन ये गलती कहाँ से टूटी, कहाँ से हुई, लेकिन ये समझ में नहीं आई। फिर बाद में एकर कारण से हंगामा हुई, फिर ऊपर से उच्च सदन से अधिकारी मन इस अधिकारी आके तुरंत निरस्त करके चले गई, और सब कुछ ठीक भी हो रहा था। लेकिन बाद में जब रिजल्ट बताने की समय आया तो उस समय जो सर को वो पहले बताना चाहिए कि क्रमांक चेंज हो गया है, वो काम वो नहीं किए थे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये गलती है, आरक्षण प्रणाली में पारदर्शिता नहीं था, और इस बात को हम समझा भी दिए उनको और बताए भी सबके सामने, तो उनका ये मानना था कि यार गलती हुई है। तो गलती हुई है तो आदरणीय CEO साहब आए और अभी उनको निरस्त कर दिए। आने वाले दिनों में लोग डिक्लेयर करेंगे कौन सा डेट को होगा, और मेरा तो ये मानना है कि आरंग में जनपद के आरक्षण में भी यही हुआ है। लेकिन मैं आपको इसलिए प्रूफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वहां पर था नहीं, लेकिन जनपद में भी यही हुआ है। और इस तरह का काम लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अगर आप आरक्षण करा रहे हैं तो सही तरीके से कराइए, क्योंकि कोई भी सरपंच बने पंच बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस तरह के किसी भी नाम में किसी के दबाव में किसी के आके इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और आरंग इस जनपद में हम लोगों ने ये 5 साल यही देखा है, यहाँ ऐसी होता है। मेरा नाम संजय शर्मा कबीर है और मैं महासचिव हूँ सरपंच संघ का। और आरक्षण का चल रहा था यहाँ पे सब, उसमें ऐसी क्या बात हो गई, क्या हंगामा हुआ है कि आरक्षण का जो लिस्ट है वो रद्द हो गया? देखिए क्या है कि जो जनपद पंचायत में आरक्षण की प्रक्रिया जो चल रही थी, निर्वाचन अधिकारी SDM साहब थे, और इससे पहले जो पंचों को जो आरक्षण है और जो सीरियल क्रमांक है उसमें हुआ था, लेकिन आज किसी प्रकार के चस्पा नहीं किया गया था और उसकी जो आरक्षण की वो है सरल क्रमांक उसको बदल दिया गया और किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं था। सभी लोग ये सोचे कि हम अपने पुराना सीरियल क्रमांक में आरक्षण हो रहे हैं,
और आरक्षण की प्रक्रिया जो है सही था, पर उनकी कुछ त्रुटियां थी, गलती हो गई थी, उनसे चूक हो गई थी, और इसका विरोध हम सब ने किया है, पूरी सरपंच संघ ने किया है, पूरी साथियों ने किया है, और इस बात को मानना पड़ा। और माननीय कलेक्टर महोदय ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर जिला सीओ साहब को भेजे हैं और उन्होंने आकर के आज की जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको निरस्त किए हैं और आगे की जो तिथि जो है वो घोषित करने की यहाँ की घोषणा की है। गलती इनकी मानते हैं जो इस तरह है, फेयरवेल किया हुआ है, मतलब इनकी 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 जो गलती है वो है कि सबसे पहले बात तो यहाँ के जो पंचायतों का अनुक्रमांक है उसको बदलना नहीं चाहिए था। इससे पहले पंचों का आरक्षण उसी अनुक्रमांक के हो चुका है और उसी में करना था, लेकिन नया उसका क्रमांक बता दिया गया, बना लिया गया था, जिसकी जानकारी केवल SDM साहब को थे और कुछ उनके चहेते लोगों को थे, जिसके कारण से हम सब ने विरोध किया। और विरोध करने के बाद ये लोकतंत्र में स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली हो ये हम सब चाहते हैं, और इसी का परिपालन में माननीय कलेक्टर महोदय का जो प्रतिनिधि के तौर पर आए थे उन्होंने भी आज का जो आरक्षण प्रक्रिया उसको निरस्त किए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। या आप मानते हैं कि जो अनुभवी अनुविभागीय अधिकारी उनसे गलती हुई है? उनसे गलती है, मानवीय त्रुटि हुई है, अब किसी व्यक्ति से ऐसा त्रुटि हो गया है तो उसको सुधार किया जाए, उसमें यही कह सकते हैं और यही होना चाहिए। नाम मैं हिम्मत चंदा का जिला सरपंच संघ अध्यक्ष रायपुर सरपंच। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.